हम लोग इतिहास में पढ़ते थे कि जलियांवाला बाग एक कांड है, और आज राजधानी रांची मोराबादी मैदान को भी उसी जलियांवाला बाग के रूप में इसको कर दिया गया। जहां से भी लोग आ रहे थे पलामू प्रमंडल से, सभी जगह रोकने का काम किया गया। तो पूरे प्रदेश से लोग जो आ रहे थे, युवा जो आ रहे थे, उनको आप रोकेंगे तो उसका असर तो दिखेगा। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हेमंत सोरेन अंदर से बहुत ज़्यादा डरी हुई है, युवाओं के आक्रोश रैली से वो डरी हुई है, इसलिए इस तरह के कृत उन्होंने किए हैं। इस घटना को लेकर के अगर आगे बात करें, विधानसभा चुनाव है सामने, इसका क्या असर पड़ेगा उस चुनाव में? जिन्होंने भी ये आदेश दिया, जिस पुलिस प्रशासन ने ये कृत किया, जिन्होंने ये आदेश दिया, उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 2019 में हेमंत सोरेन को गद्दी पर लाने वाले यही युवा थे, और आज ये युवा पूरी तरह से आक्रोशित है और उसे गद्दी से हटाने का काम भी यही युवा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पंचायत न्यूज। अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गीता कोड़ा जी। आइए समझते हैं मैम, इस घटना को कैसे देखते हैं? जिस प्रकार शांतिपूर्ण चल रही थी, इस रैली सभा चल रही थी, अचानक से हमला होती है, भागदौड़ का माहौल बन जाता है, कैसे देखती हैं इसको? देखिए, यह काफ़ी दुखद घटना है। तो हम लोग इतिहास में पढ़ते थे कि जलियांवाला बाग एक कांड है, और आज राजधानी रांची मोराबादी मैदान को भी उसी जलियांवाला बाग के रूप में इसको कर दिया गया। पूरे चारों ओर बैरिगेट्स लगा दिए गए। ऐसा पहले कभी नहीं होता था कि सभा स्थल के पास ही बैरिगेट लगा दिया जाए। ये पहली बार ऐसा हुआ कि सभा स्थल के अगल बगल दोनों चारों ओर बैरिगेट्स लगा दिए गए, लोगों को यहाँ आने नहीं दिया गया। और तो और पूरे जितने भी सड़कें हैं, चाहे वो NH हो, ग्रामीण सड़क हो, जो राजधानी को जोड़ती है, उन सभी सड़कों को जाम कर दिया गया। वहाँ से हमारे कार्यकर्ताओं को, युवा साथियों को आने नहीं दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हेमंत सोरेन अंदर से बहुत ज़्यादा डरी हुई है, युवाओं के आक्रोश रैली से वो डरी हुई है, इसलिए इस तरह के कृत उन्होंने किए हैं। और मैं मांग करती हूँ कि आज की जो घटना है, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग रैली कर रहे थे, सभा चल रही थी, आदरणीय बाबूलाल जी भाषण दे रहे थे, और उस बीच में टियर गैस छोड़ा गया। तो मैं मांग करती हूँ, जिन्होंने भी ये आदेश दिया, जिस पुलिस प्रशासन ने ये कृत किया, जिन्होंने ये आदेश दिया, उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैम, इस घटना को लेकर के अगर आगे बात करें, विधानसभा चुनाव है सामने, इसका क्या असर पड़ेगा उस चुनाव में? बिल्कुल निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। आज जितनी भीड़ आई या जितने युवा आए, उनमें आक्रोश था। ये कोई एक जगह से नहीं आए, पूरे प्रदेश से ये लोग चल करके आए। और आप देख रहे होंगे, कल से ही सभी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो संथाल प्रगणा के से हमारे साथी आ रहे हों, या फिर हमारे इस्कोलान क्षेत्र से, या छोटे नागपुर, ये जहाँ से भी लोग आ रहे थे पलामू प्रमंडल से, सभी जगह रोकने का काम किया गया। तो पूरे प्रदेश से लोग जो आ रहे थे, युवा जो आ रहे थे, उनको आप रोकेंगे तो उसका असर तो दिखेगा। और आपको याद होगा 2019 में हेमंत सोरेन को गद्दी पर लाने वाले यही युवा थे, और आज ये युवा पूरी तरह से आक्रोशित है और उसे गद्दी से हटाने का काम भी यही युवा करेंगे। तो इस वक्त मौजूद थे गीता कोड़ा जी। जिस प्रकार यहाँ इस स्थल पर सभा हो रही थी, शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, बीच में एक खबर आती है कि यासी गैस छोड़ा गया, जिसके चलते भगदड़ मच जाता है, और ये वही जगह है जहाँ हजारों की संख्या में युवा आक्रोश रैली कर रहे थे, शांतिपूर्ण कर रहे थे, सभा काफ़ी अच्छा चल रही थी, नेता मंत्रीगण भाषण भी दे रहे थे, और अचानक से भगदड़ मच जाती है। ये वही स्थल मोराबादी रांची का मोराबादी मैदान है। यहीं करीब लाखों की संख्या में देखा जा रहा था, शांतिपूर्ण व्यवस्था थी, लेकिन अचानक से भगदड़ मच जाता है।